हेलो किड्स कैसे हैं आप लोग आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे राइट right? देखो आई एम हियर विद सिक्स यस लेट्स गेट स्टार्टेड फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन लेक्चर स्टार्ट लेक्स टूडेज टॉपिक्स एज आईव ऑलरेडी टोल्ड यू आई विल बी कमिंग विद न्यूमेरिकल्स ऑन द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्विकली देखो फर्स्ट न्यूमेरिकल इज हियर मोटरसाइकिल ऑफ मास के जी इज मूविंग ओवर अ हॉरिजॉन्टल रोड बट विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या बोला टू थाउजेंड के जी बाइसाइकिल सॉरी मोटरसाइकिल मूविंग ओवर हॉरिजॉन्टल रोड म बिलोसिटी ठीक मोटरसाइकिल हैज टू बी स्टॉट विद नेगेटिव एक्सलरे से फोर्स बिटवीन द मोटरसाइकिल एंड द रोड देखो पहला न्यूमेरिकल है बिफोर स्टार्टिंग आई मस्ट टेल यू दैट द वे द राइट वे इज यू पॉज द वीडियो दैन यू फर्स्ट ट्राई इट for one minute or two and then you will again start the video play the video and you will see the solution for it if you can't try it and you will match your solution with the solution given here okay right so come on quickly let's pause the video five four three two one should we begin Yes? Let's start. But before that, again, I am switching off my video so that it doesn't consume space and you concentrate more on the numerical. Okay? Bye bye. So here I am. I hope I am audible. Okay? Let's see what it's saying. Mass is 2000 kg.

simple formula f is equals to m a lagega okay very easy mass is given 2000 kg pardon for poor handwriting that's because of the whiteboard and acceleration is 1.5 okay so what will it be वॉन्ट टेल मी थ्री हंड्रेड एंड वॉट इज दूनिट फॉर फोर्स इट इज न्यूटन सो थ्री हंड्रेड न्यूटन इज द फोर्स इन द ऑपोजिट डिरेक्शन ओके इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू द मूवमेंट ऑफ द मोटरसाइकिल फ्रिक्शन तो ऑपोजिट ही लगेगा राइट एंड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इट इज आस्किंग अबाउट सो एक बार और लिख देते हैं ना हम इसका आंसर है थ्री हंड्रेड न्यूटन ओके सिंपल था बहुत सिंपल फर्स्ट क्वेश्चन इज वेरी वेरी सिंपल अच्छा चलो लेट्स मूव ऑन लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन फाइंड द एक्सेलरेशन चलो पहले हाईलाइट करते हैं एक्सेलरेशन प्रोड्यूस बाय फोर्स इज टू हंड्रेड न्यूटन मास इज एट हंड्रेड के जी Chalo, come on, pause and try. Fast. pause it. Try. 5, 4, 3, 2, 1. Let's start. Deco. Force is given this time. Force is 200 Newton. Mass is. एट हंड्रेड के जी लजिबल तो है ना इन राइटिंग ओके फोर्स इज गिवेन मास इज गिवेन टेल मी हाउ विंड एक्सलरेशन सिंपल फोर्स बाय मास इज एक्सलरेशन हमने पहले ही पढ़ रखा है दैट फोर्स इज इक्वल्स टू एम ए बताओ क्या निकालना मास मास्क उधर ले गया सिंपल हो गया फोर्स टू हंड्रेड मास एट हंड्रेड वन बाय फोर जीरो पॉइंट टू फाइव मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्लियर बहुत आसान क्वेश्चन थे पहले दो तो राइट पॉज करके ट्राई किया ना सबने गुड नेक्स्ट क्वेश्चन लेट्स सी क्या पूछ रहा है मास फाइव हंड्रेड के जी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट दिस इज इम्पॉर्टेंट स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ टू हंड्रेड मीटर्स टाइम टेन सेकेंडस पहला एक्सेलरेशन ऑफ द बस निकालो दूसरा फोर्स एक्टिंग ऑन द बस कम ऑन पॉज क्विकली पॉज ट्राई द क्वेश्चन ओके आई एम वेटिंग फॉर ऑल ऑफ यू ओके चलो अब स्टार्ट करते हैं एक्सेलरेशन बताओ कैसे निकलेगी बताओ 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 कम ऑन ये लगा सकते हैं ये लगा सकते हैं देखो एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ सॉरी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर ये लगा सकते हैं ये क्या है टेल मी एक्सप्रेशन फॉर बताओ जल्दी क्या है यार इक्वेशन ऑफ मोशन है सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है ना फर्स्ट इक्वेशन क्या थी V इक्वल्स टू यू टी प्लस वी इज इक्वल टू यू टी ये इक्वेशन थी है ना सेकेंड s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर थर्ड वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू एस याद हो गई चलो एक्सेलरेशन कैसे निकलेगी देख लो एस इज गिवन एस इज द डिस्टेंस क्या दिया हुआ है दो सौ मीटर्स यू स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई जीरो देखो यू ज़ीरो हो गई इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो टाइम दिया हुआ है दस सेकेंड ए निकालना है इजेंट इट वेरी इजी सब कुछ दिया एक वेरिएबल निकालना है आई होप सब लोग निकाल लेंगे देखो यू टी जीरो हो जाएगा यूटी वाला पूरा टर्म जीरो तो एस इज इक्वल्स टू एक बार निकाल देते हैं अच्छा देखो एस इज इक्वल्स टू हाफ ए टी स्क्वेर है ना ए निकालना है ना तो चलो वैल्यू रख दें वैल्यू रख दें एस की वैल्यू ट्वेंटी यू तो गायब हो गया हाफ ए टी स्क्वायेर बचा हाफ ए पता नहीं निकालना है टी स्क्वायर टी इज टेन टी स्क्वायर इज हंड्रेड डायरेक्ट लिख रहे हैं ठीक है टू और हंड्रेड फिफ्टी उधर गया ट्वेंटी बाई फिफ्टी सो टू बाय फाइव कितना निकलेगा पॉइंट फोर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये तो नहीं बताना पड़ेगा ना ट्वेंटी बाई फिफ्टी पॉइंट फोर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यूनिट तो सब लोग अपने से लगा लेंगे राइट ओ ओ एक सेकेंड ये वाला तो क्वेश्चन ही गायब हो गया था ओके सो द फोर्स एक्टिंग ऑन द बस फोर्स कैसे निकालेंगे अब एक्सेलरेशन पता चल गई है तो फोर्स इज़ इक्वल्स टू एम ए बस मास दिया है फाइव थाउजेंड के जी एक्सेशन पॉइंट फोर निकली थी मल्टीप्लाई कर दिए आंसर आ जाएगा सिंपल कर लिया था सबने ऐसे चलो नेक्स्ट अब देखो ग्राफ दिया हुआ है पहले पॉज करो ट्राई करो चलो फिर बताऊंगी चलो क्विकली स्टार्ट करें द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉल मूविंग ऑन द सरफेस ऑफ फ्लोर इज शोन इन द फिगर कैलकुलेट द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉल इफ मास इज ग्राम्स तो क्या क्या दिया है पहले तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है पता चल गया देखो एक चीज इसमें मेंशन नहीं है ये टाइम है ठीक है सेकेंड में ठीक है और ये वी है ये शायद मेंशन नहीं किया हुआ है कर दिया मेंशन ठीक वेलोसिटी टाइम ग्राफ है मूविंग ऑन द फ्लोर फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉल ऑफ मास इज गिवन ठीक है क्या बता सकते हैं फोर्स के लिए हमें क्या क्या चाहिए फोर्स के लिए हमें क्या क्या चाहिए सिंपल फोर्स का हम एक फार्मूला जानते हैं एम ए फोर्स इक्वल्स टू एम ए तो फोर्स के लिए हमें एक तो मास चाहिए और दूसरा एक्सिलेरेशन मास तो दिया हुआ है सिंपल मास दिया है एक्सिलरेशन हमें इस ग्राफ से निकालना है तो एक्सिलरेशन का हम बेसिक कंसेप्ट यूज कर सकते हैं कि एक्सेलरेशन होती क्या है वॉट इज एक्सिलरेशन बताओ चेंज इन वेलॉसिटी अपॉन टाइम यही था ना एक्सिलेशन क्या होता है चेंज इन वेलॉसिटी पर यूनिट टाइम तो हमें चेंज इन वेलॉसिटी निकालना है पर यूनिट टाइम इस ग्राफ से तो बताओ कैसे निकालेंगे देखो वेलॉसिटी जिसने कर लिया बहुत अच्छा वेलोसिटी एक तो दिया ट्वेंटी ग्राफ पे प्लॉट है चलो ठीक है ऐसा करते ट्वेंटी माइनस एक दिया टेन तो चेंज तो यही होगा ना फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी तो चेंज होता है और टाइम कितना लगा फाइव सेकेंड्स ट्वेंटी माइनस टेन टेन अपॉन फाइव टू तो एक्सेलेशन की आ गई टू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिख दे रहे ना पे तो एक्सेलरेशन आ गई दो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ठीक अब फोर्स निकाल लेंगे मास दिया है एक्सेलरेशन दी हुई है पर एक चीज जो हमें देखनी है बहुत इम्पॉर्टेंट मास दिया है ग्राम्स में ट्वेंटी ग्राम्स और स्टैंडर्ड मास यूनिट है के जी तो इसको के जी में कन्वर्ट कर लेंगे और फिर मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल देंगे कैसे के जी में कन्वर्ट किया ट्वेंटी बाय थाउजेंड ठीक है वन बाय फाइव हंड्रेड के जी मान लो गया कुछ गड़बड़ कर दी क्या वन बाई फिफ्टी ना हंड्रेड बचा ना देखो वन बाई फिफ्टी ये हो गया मास अब टू इन टू वन बाई फिफ्टी कर लो हमें क्या मिल जाएगा फोर्स मास पता एक्सेलेशन पता फोर्स निकाल सकते हैं राइट समझ में आया फिर से बताऊं एक बार फिर बताऊं देखो ग्राफ वाला क्वेश्चन है ना इसलिए एक बार फिर बताती हूँ ये देखो ग्राफ ही गायब हो गया चलो एक सेकेंड एक मिनट आ गया ग्राफ तो टू निकला था एक्सेलरेशन टू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यूनिट का ध्यान दें तो पता चलेगा कि मास किस में है ग्राम्स में तो मास के लिए क्या करेंगे के जी में कन्वर्ट कर देंगे निकाल लिया था हमने वन बाय फिफ्टी आया था के जी बस मास दिया एक्सेलरेशन दिया फोर्स पूछा एफ इक्वल्स टू एम ए मास इंटू एक्सेलेशन टू बाई फिफ्टी टू बाई फिफ्टी वन बाई ट्वेंटी फाइव दैट इज पॉइंट ज़ीरो पॉइंट फोर है न देखो बस मल्टीप्लाई करना है आंसर आ जाएगा टू अपॉन फिफ्टी ठीक है बस हो जाएगा कैंसिल कर दो आंसर निकाल लो देखो 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 नेक्स्ट क्वेश्चन अ कार ऑफ मास थाउज़ेंड के जी देखो हाईलाइट कर दे रहे पहले ही कार का मास थाउजेंड के जी बस का मास ए थाउजेंड के जी वेलॉसिटी थर्टी सिक्स किलोमीटर पर आर दोनों की वेलोसिटी है ये फाइंड द फोर्सेस टू स्टॉप बोथ द कार एंड द बस इन फाइव सेकेंड चलो पाँच सेकेंड पॉज करो जल्दी ट्राई करो क्विकली वेटिंग 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 जल्दी 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 करो ट्राई पॉज एंड ट्राई चलो अब कराए हो गया कराए देखो जल्दी देखो मास दिया है कार का और बस का दोनों सेम वेलोसिटी से चल रही हैं क्या करेंगे फोर्स निकालना है एक चीज ध्यान दी कि नहीं दी ध्यान दी कि नहीं दी वेलोसिटी किलोमीटर पर आर में दी हुई है चेंज करनी पड़ेगी किसमें मीटर पर सेकेंड में कैसे करेंगे देखो सबको पता होगा तो थर्टी सिक्स यार क्या क्या हो जाता है है ना देखो भाई थर्टी सिक्स है इसको फाइव बाई एटीन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मीटर पर सेकेंड में चेंज हो जाएगी बताओ तो कितना आएगा टेन मीटर पर सेकेंड ये तो सबको आता है ना है ना आता है चलो फाइनल वेलोसिटी क्या है बताओ जीरो दोनों को रेस्ट पे लाना है दोनों को स्टॉप करना है रेस्ट पे लाना है फाइनल वी ज़ीरो टाइम पाँच सेकेंड है ना एक्सेलरेशन बताओ कैसे निकलेगी वी माइनस यू बाई टी निकलेगा वी माइनस यू बाई टी एक्सेलरेशन वी क्या हो गई जीरो यू दी हुई है टेन मीटर पर सेकेंड मीटर पर सेकेंड वाली स्पीड रखनी है ठीक है अपॉन टी माइनस में आएगा क्या आएगा टू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसको सॉल्व करने पे आ जाएगा माइनस टू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर माइनस मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में हो रही है माइनस साइन शोज द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन दैट इज रिटार्डेशन कार का मास थाउजेंड के जी एक्सेलेशन दी हुई है मास दिया हुआ है फोर्स निकाल सकते हैं बस वन थाउजेंड से मल्टीप्लाई कर दो कितना आ जाएगा टू थाउजेंड न्यूटन फोर्स की यूनिट न्यूटन तो कार का फोर्स कितना आ गया फोर्स ऑन कार कितना आ गया जल्दी बताओ टू थाउजेंड न्यूटन इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ये याद रखना इसीलिए माइनस साइन है ऐसे ही बस पे भी लगा सकते हैं एक्सेलेशन दे दी मास पता ही है फोर्स ऑन बस निकालोगे ना ऐसे ही बस सेम वेज तो आ जाएगा माइनस सिक्सटीन थाउजेंड न्यूटन बस मास इनटू एक्सेलेशन करना है कुछ करना नहीं है एक्सेलेशन निकाल के दिखा दिया मास इज़ गिवन बस मल्टीप्लाई करना है ओके ठीक चलो जिसको जिसको ये क्वेश्चन और सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हुए हिट द लाइक बटन नाउ क्विकली हिट द लाइक बटन प्रेस द बेल आइकन यस एंड डोंट टू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स ओके दैट्स ऑल फॉर टुडे बाय बाय टेक केयर एंड डू चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिकॉज आई एम पोस्टिंग सम ऑफ द क्वेश्चन देयर विच आर योर होमवर्क क्वेश्चन एंड यू हैव टू आंसर देम इन द कमेंट सेक्शन मैं डिस्क्रिप्शन में कुछ क्वेश्चन पोस्ट कर रही हूँ यू हैव टू सॉल्व दैम एंड आंसर इन द कमेंट सेक्शन ओके दैट आर योर होमवर्क क्वेश्चन चलो बाय बाय टेक केयर एंड कीप स्टडिंग